हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी पापा, सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थी होंगे, उन परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो यहाँ तो राधिका के मम्मी पापा ने गुनगुन की ले ली एक तगड़ी क्लास, पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग गुनगुन को बुला के सिर्फ बात सुना रहे हो, तो सिर्फ गुनगुन को बात सुनाने से क्या कोई फ़ायदा होगा? जितनी दोषी गुनगुन है उतनी ही दोषी समर भी है। तो दोनों को आपको साथ में बात सुनाना चाहिए, दोनों से सवाल करना चाहिए। आप सिर्फ अकेले गुनगुन से सवाल करके क्या फ़ायदा कर रहे हो? एक तो वो भूत बनी खड़ी रहती है, कोई कुछ मुंह से नहीं बोलती है, एकदम पूरी की पूरी वो एकदम चुपचाप खड़ी रहती है, जैसे लगता है उसको सांप सूंघ लिया हो। उससे आप कोई भी सच्चाई नहीं बुलवा सकते हो राधिका के पापा मम्मी। आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप जो उसको इतना इंटरोगेट कर रहे हो, इतना इंटरोगेट नहीं करके आप लोग सीधा पुलिस में जाओ। आप लोग वहाँ पे जाके बोलो ना, तब वहाँ पे वो भूत बनी जो खड़ी है ना, वो एकदम खड़ी नहीं रहेगी, उसका भी मुँह खुलेगा और उसके समर का भी मुँह खुलेगा, दोनों का मुँह खुलेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं आप लोग को 3 दिन से बोलती जा रही हूँ, पर आप लोग तो कोई कमेंट पढ़ते हो और ना ही मेरे वीडियो को देखते हो। इसको बोलने से अकेले में कोई फायदा नहीं है, आप लोग नाक रगड़ते रह जाओगे, पैर घिसते रह जाओगे, मगर ये लड़की टस से मस नहीं होने वाली, जो आपको भी पता है। और समर वो कोई DNA टेस्ट करवाने वाला है नहीं, उसे पता है कि बच्चा उसका है, और गुनगुन को भी पता है कि बच्चा किसका है, इसे वो भी चुपचाप खड़ी रहती है, कुछ उससे ज़्यादा नहीं बोलती है। एक बात आपने सही कहा कि हाँ अच्छा हुआ तुम्हारे मम्मी पापा ने इन्वॉल्व नहीं हुए, क्योंकि उनको पता था कि तुम कैसी लड़की हो। और हाँ, जिसकी बेटी है उनको तो पता होगा ही कि वो कैसी है, और उसके भाई को भी अच्छी तरह से पता है कि उसकी बहन कैसी है। इसलिए उसका भाई भी आके बोल दिया कि ये लड़की ठीक नहीं है, ये घर नहीं बसाएगी, इसलिए इसकी शादी वादी मत कराओ। और इसलिए अंकित इसके शादी को तोड़ने में लगा हुआ था, जो हमें लगा कि नहीं, वो शादी नहीं कराना चाहता है, वो चाहता है कि ये समर के साथ ही रहे। पर नहीं, वो ये जानता था कि गुनगुन कहीं ना कहीं अपने घर को नहीं बसाएगी, वो आ जाएगी फिर समर के ही घर में। तो इसलिए उसने जो किया ना उस टाइम में ठीक किया, तो वो उस टाइम में मैंने भी गुस्सा किया, पर जो गुस्सा मुझे भी नहीं करना चाहिए था वो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है। तो इसलिए कि आपको मैं एक चीज़ ही बोल रही हूँ कि जो हो गया सो हो गया, अब आप पुलिस का सहारा लो, नहीं तो ये लोग आपको सच नहीं बोलने देंगे। और राधिका को अपने साथ ले जाओ, राधिका यहाँ पर पिस रही है, राधिका को यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। जब उसका पति उसके साथ नहीं है तो वो यहाँ रह के करेगी क्या? सच झूठ का सामना करेगी, ये देखेगी कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कब DNA टेस्ट का रिपोर्ट आएगा, किया क्या आएगा। और समर तो है पैसे खिलाने वालों में से, पैसे खिला देगा उसकी मम्मी, उसकी मम्मी को तो छोड़ ही दो, वो तो कोई काम की नहीं है, बस बेमतलब की बातें करती है, अपने बेटे को बहुत प्यारा और दूसरे बेटे को दोष देती है। तो बस फ्रेंड्स, यही बोलना चाहती थी। अब ये देखिए क्या करते हैं, इनको कैसे पता चले कि ये किसका बेबी है। तो जिसको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।